ये देखो दोस्तों, ये आज हमने बनाया है पनीर का पुलाव। और दोस्तों ये बनाना बहुत ही आसान है और आप देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो चलिए दोस्तों, ये तरीका मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चावल लिए हैं। मैंने ये चावल अच्छी क्वालिटी के लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही साफ़ है। और अब सबसे पहले हमें इसके अंदर पानी डाल देना है और पानी डाल के हमें इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। और दोस्तों हमें इसे आधा घंटे बाद छोड़ देने के बाद हमें इसे अच्छे से मसल के साफ़ कर लेना है, जिससे कि इसके अंदर जो वाइट स्टार्च होता है वो बिल्कुल निकल जाए। इसे आप कम से कम 3 से 4 बार धोएं, जिससे कि जो इसके अंदर वाइट कलर का होता है वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो पानी है जो इसके अंदर जो डालते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिससे कि इसके अंदर जो दाना है जो खिल खिल के बनता है चावल का बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, जो चिपकता नहीं है। इससे ये कारण है कि आप इसको 3 से 4 बार ज़रूर धोएं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अच्छे से धोए, बिल्कुल चावल नीचे पानी से भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद आपको गैस पर रख देना है और गैस को आपको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, मीडियम रख के और इसे कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। और जैसे आप 10 मिनट तक पकाओगे तो दोस्तों जैसे जैसे हल्का पानी गर्म हो जाएगा और आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें। और जैसे दोस्तों आपको बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहना है, क्योंकि चावल को बहुत ही अधिक नहीं पकाना है। जैसे ही आपको लगता है कि नॉर्मल अच्छे से पक चुके हैं और हल्का फुल्का जो कमी है, जैसे मतलब अपना कि 80% चावल पक चुके हैं, तो आप 20 उससे पहले ही गैस को ऑफ कर दें, जिससे कि जो इसके अंदर जो पानी बचता है वो पानी के अंदर है वो छोड़ दें, जिससे कि अपना जो 20% जो चावल है वो इसके अंदर पानी गर्म पानी के अंदर पक जाएंगे। तो मैंने ऐसे बीच में 2 से 3 बार चेक कर लेने हैं आपको। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये लास्ट स्टेज पर चेक किया है, तो ये हमारे चावल है जो अभी काफ़ी हद तक पक चुके हैं। और इसके बाद मैं एक तेज़ आंच दूंगा, मतलब हाई फ्लेम करूंगा, और उसके बाद में इसको कवर करके ऑफ़ कर देना है, जिससे कि इसके अंदर जो पानी है वो पानी में ही हमारे जो बाकी के बचे हुए चावल हैं वो इसके अंदर पक जाएंगे। तो इसके बाद हमें गैस को ऑफ़ करके और इसको अच्छे से कवर कर देना है। और इसके बाद आपको 10 मिनट बाद निकालना है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद बिल्कुल हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और चावल भी अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, चावल को मसल के अच्छे से पके हैं और जो हमारे चावल हैं बिल्कुल खिले खिले बने। तो दोस्तों इसे मुझे एक प्लेट के अंदर ठंडे कर देने हैं, जिससे कि हमारे चावल हैं इसके अंदर बिल्कुल चिपके नहीं। और दोस्तों हमें इनके अंदर ठंडा कर देना है, और जब तक ये हमारे चावल ठंडे होंगे तब तक हम इसके पनीर के पुलाव के लिए और कोई सामग्रियाँ तैयार करते हैं। और पनीर का पुलाव बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है पनीर तो चाहिएगा, वो इसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। और इसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर प्याज लिया है और हरी मिर्ची ली है, टमाटर लिया है, और दोस्तों कुछ मैंने यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं, जैसे यहाँ पे लौंग, काली मिर्च और हींग, प्याज, अदरक, ऐसे मैंने ये सब चॉप्ड करके रखी हुई है। और इसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर तेल लिया है, जो हमारे पास पनीर है 200 ग्राम उसको हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों हम पनीर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन न हो जाए। तो मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ। और दोस्तों इसे आपको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, क्योंकि आपको तेल को एक बार हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है, उसके बाद में नॉर्मल फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है। तो देख सकते हैं कि आप ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। और दोस्तों इसके अंदर अब हमें इसके अंदर जीरा ऐड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, और साथ में यहाँ पर मैंने दालचीनी और हरी इलायची डाल देनी है, और साथ में यहाँ पर प्याज है, हरी अदरक है, हरी मिर्च है, ये भी ऐड कर देनी है। और हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए और प्याज हमारे अच्छे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे मैंने लौंग डाल दिए और
और साथ में दोस्तों यहाँ पे मैंने टमाटर का जो चॉप्ड है अच्छे से इसको टमाटर को कट कर लिया था बिल्कुल बारीक कटर मशीन के अंदर। तो या आप मिक्सी में भी इसको टमाटर को पीस सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालना है और हींग डाली है मैंने यहाँ पे अच्छे स्वाद के लिए। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, टमाटर को अच्छे से पका लेना है। और साथ में यहाँ पर हमें नमक लाल मिर्च ऐड कर देनी है और हमें इसे अच्छे से चलाते रहना दोस्तों। जैसे ही हमारा अच्छे से पक चुका होगा तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक चुका है। और अब हमें यहाँ पर हमारे जो चावल है वो ऐड कर देने हैं। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल चावल हमारे बहुत ही एकदम खिले खिले हैं और ये बहुत ही अच्छे बन रहे हैं दोस्तों। तो आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों हमें इसके बाद यहाँ पे डालना है हरे मटर। और हरे मटर को हम इसके साथ में चावल के साथ में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और इसके बाद में हमें दोस्तों यहाँ पर जो पनीर है के टुकड़े हैं जो हमें इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इन्हें हमें बहुत ही मीडियम फ्लेम पर करना है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से चला देना है जिससे कि जो हमारे पनीर है वो इसके साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। और दोस्तों आपको बिल्कुल इसे बहुत ही आसानी से मिक्स कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों ये हमारी बनकर मोस्टली तैयार हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।